अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसे कि मौसम चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ हल्का फुल्का, कुछ चटपटा खाने का दिल करता है, कुछ आसानी से बनने वाला। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉर्न चाट की रेसिपी। तो देखिए, यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने डाल दिए हैं ये कॉर्न, ये फ्रोज़न कॉर्न मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वो जो भुट्टे आते हैं पूरे, वो भी आप बाज़ार से ख़रीद कर उसे बॉयल करके उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ मैंने फ्रोज़न वाले लिए हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से इनको बॉईल कर लिया। एक एक दाना देखिए कितना बड़ा, कितना प्यारा लग रहा है, सुनहरा सुनहरा सा। तो ये अच्छे से हो चुके हैं, तो मैंने स्ट्रेनर में रख दिया। तो चलिए इसकी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और ये इसका एक बेनिफिट है कि ये हेल्दी भी बहुत है, इसको आप शाम के टाइम इन्जॉय कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने कॉर्न लिए हैं और कॉर्न में हमने डाला है 1 टीस्पून बटर, क्योंकि बटर का कॉर्न का और कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो हमने 1 टीस्पून कॉर्न में जो है बटर ऐड कर दिया है और बटर की हम कर देंगे अच्छे से मिक्सिंग। और ये देखिए, धनिए पुदीने ग्रीन चिली की चटनी है, ये हमने 2 टीस्पून ले ली है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 2 टीस्पून ये हमने ऐड कर दिया। इससे है ना एक टेंगी सा फ्लेवर आएगा। और ये मसाला मैजिक जो आता है ना, ये ले लें आप नूडल्स वाला मसाला, इसको भी आप इसके अंदर एक पैकेट ऐड कर दें। और अगर ज़्यादा कॉर्न हो आपके तो 2 पैकेट ऐड कर दें, ज़्यादा आप स्पाइसी खाते हो तो 2 ऐड कर दें। मैंने 1 ऐड किया है। और देखिए, 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने रेड चिली डाली है और यहाँ मैंने डाला है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि मैजिक मसाले में भी थोड़ा बहुत मतलब सॉल्ट होता है और बटर में भी सॉल्ट है, तो इसलिए हमने सॉल्ट इसलिए थोड़ा कम डाला है। अब यहाँ मैंने ली है 1/2 अनियन। तो देखिए, अनियन को मैंने ऐड कर दिया है, एक टमाटो लिया है उसे चॉप किया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 2 से 3 बारीक कट करके यहाँ ग्रीन चिली भी मैंने ऐड कर दी हैं। और यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन लिया था, लेकिन मैंने इसमें 1/2 ही ऐड किया है, क्योंकि इतना बस इसमें इनफ हो जाएगा। तो मेरे पास कोरिएंडर नहीं था, अगर आपके पास कोरिएंडर हो तो आप कोरिएंडर भी इसमें ज़रूर ऐड करें, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। तो देखिए, सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर दी है हमने, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे घर में मौजूद ना हो। और बहुत ही मज़ेदार सा शाम का स्नैक्स कह लें या कुछ भी आप, बड़े मज़ेदार लगता है कि बच्चे बड़े सबके लिए बहुत हेल्दी है। मज़ेदार सी हमारी कॉर्न चाट तैयार है। तो चलिए इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो एक हम प्लेट लेंगे और उसमें हम कॉर्न चाट को ऐड कर देंगे, देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे हम ऐड कर देंगे। आप जैसे चाहें वैसे सर्व करें। और मैंने देखिए यहाँ गार्निश किया है ग्रीन चिली और 1/2 लेमन और थोड़े से चिली फ्लेक्स ऊपर से ऐड कर दिए हैं, ताकि हमारी कॉर्न चाट और भी ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव लगे। और देखिए, मज़ेदार सी हमारी कॉर्न चाट फ्लेवरफुल तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं, आप इसे इंजॉय करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।